नमस्कार, मैं हूँ त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हम आपको ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप कभी गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ना बेहद पसंद किया करते थे। आज भले ही सब कुछ डिजिटल हो गया हो, लेकिन उन किताबों की बात ही कुछ और थी। जो हम आज यहाँ कॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बस हमारी कोशिश है कि इन कॉमिक्स के जरिए थोड़ी देर के लिए ही सही आपको अपने बचपन की सैर करा पाए। आइए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में चित्र व अक्षर की दिलचस्प दुनिया कॉमिक्स। बच्चों की पसंदीदा दोस्त थी कॉमिक्स। छुट्टी का मतलब था कॉमिक्स और मस्ती। सभी को सीख देती थी ये कॉमिक्स। 1964 में इंद्रजाल कॉमिक्स से शुरू हुआ इसका सफर। कॉमिक्स पर डिजिटल युग परा भारी। वीडियो पर आई कल्पना की दुनिया। वर्तमान में वही देश विकास कर रहा है जिसने तकनीकी और विज्ञान को अपनी तरक्की का माध्यम बना लिया है। कहने का मतलब है कि सभी काम आजकल डिजिटली आसानी से हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और सभी वर्ग के लोग डिजिटल सेवा का लाभ उठाते हैं। चाहे पढ़ाई करनी हो या गेम खेलना हो, सब कुछ डिजिटली संभव हो गया है। जी हाँ, भले ही सब कुछ डिजिटल हो गया हो, आज हम आपको ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप कभी गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ना बेहद पसंद किया करते थे। उन किताबों की बात ही कुछ और थी। हम बात कर रहे हैं कॉमिक्स की, जिसमें बच्चों को मजेदार कहानियों के साथ साथ सीखने को भी काफी कुछ मिलता था। दरअसल भारत में हिंदी कॉमिक्स का सफर साल 1964 में इंद्रजाल कॉमिक्स के साथ शुरू हुआ, जिसकी लोकप्रियता को देखकर साल 1979 में भारत में डायमंड कॉमिक्स का सफर शुरू हुआ और उसके बाद इस इंडस्ट्री में कई नाम जुड़ने लगे। एक वक्त वो भी था जब दुनिया आज की तरह तकनीक के इशारों पर नहीं नाचती थी। तब बच्चों की सबसे प्यारी दोस्त और पसंदीदा चीज कॉमिक्स हुआ करती थी। तब गर्मी की छुट्टी का मतलब ढेर सारी कॉमिक्स और मस्ती हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ बच्चों के दोस्त और पसंद भी बदलने लगी हैं। लोग दुकान खोलते थे 9 बजे और यहाँ लाइन लगी रहती थी और दे नहीं पाते थे। पहले तो नाम बिकता था, लोग पूछते हुए आते थे कि भैया नागराज किताब आई, ध्रुव की किताब आई। एक समय था चाचा चौधरी का 3 रुपए से बेच रहे हैं, 3 रुपए से। आज की डेट में 50 रुपए 100 रुपए की चाचा चौधरी आके बिक रही है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। आप बच्चों से किसी चीज़ में पूछ लीजिए, खाली वो कार्टून का नाम बता देगा या मोबाइल में जो पिक्चरें देख रहा है वो बताएगा। साहित्य चीज़ें वो बता पाएगा, साहित्य के बारे में एक शब्द नहीं बता पाएगा। आजकल कॉमिक्स की जगह मोबाइल और आईपॉड फोन ने ले ली है। गौरतलब है कि अगर 90 के दशक में आपका बचपना बीता है तो आप कॉमिक्स की दुनिया और कॉमिक्स कैसी होती है इससे जरूर वाकिफ होंगे। तो वही 21वीं सदी यानी आजकल बच्चे अपने गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल और आईपॉड फोन के साथ बिताने में व्यस्त हैं। कहने का मतलब है कि 90 के दशक में आईपॉड किस चिड़िया का नाम है, मतलब इसके बारे में कोई नहीं जानता था। ऐसे में गर्मियों की शाम तो खेल कूद कर निकल जाती थी, लेकिन जब दिन काटना मुश्किल होता था तो बस ऐसे वक्त में कॉमिक्स ने साथ दिया। यानी तब लोग कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते थे। बात भी है, तो अगर निगेटिव पॉइंट की तरफ से देखें तो कॉमिक्स बच्चों को जो नहीं मिल रही है, इससे क्या, बच्चे पहले पढ़ते थे, पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, बहुत सारे पिक्चर्स को देखकर वो समझते थे, सीखते थे। गर्मियों की छुट्टियों में लोग इसी तरह एंजॉय करते थे, इसी बहाने बच्चों को पढ़ना भी आता था, चीज़ों को देख के समझना आता था। लेकिन अब क्या है कि अब मोबाइल का टाइम है, मॉडर्न एज में हर एक बच्चा फ़ोन ही देखता है। फ़ोन में कुछ अच्छी चीज़ें भी देखता है, कुछ खराब चीज़ें भी देखता है। हम लोग ना चाह के भी ज़बरदस्ती हमें फ़ोन देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों खाली बैठ के करेंगे क्या।
लेकिन आज हम वर्तमान समय की बात करें तो कागज और छपाई की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते बच्चों के मनोरंजन के लिए वीडियो गेम, मोबाइल और दूसरे विकल्प आने लगे हैं। इन तमाम फैक्टर्स ने कॉमिक्स के बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया और कॉमिक्स से जुड़ी यादें कमजोर पड़ने लगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कॉमिक्स विक्रेता से बातचीत की। आज की दुनिया बच्चों के अंदर संस्कार, मनोवैज्ञानिक इनपुट और जो है बच्चों के अंदर जो है नैतिकता और अनुशासन के अनुसार जीने का जो है संस्कार डालते थे, इनपुट डालते थे। आज युग बदल गया है, माध्यम बदल गया है। अब बुक रीडिंग का जो है फैशन कम होता जा रहा है, अब मोबाइल व्यूइंग का जो है, वीडियो व्यूइंग का जो है फैशन आ रहा है। आज का लड़का जो है कि ज्ञान चाहे जो है किताब से लीजिए या मोबाइल से लीजिए, ज्ञान तो कहीं ना कहीं से इन बच्चों के अंदर आ ही रहा है। डिजिटाइजेशन ने कॉमिक्स के रूप में चित्र और शब्दों की दुनिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, वो भी अब मोबाइल और कंप्यूटर में कैद हो चुके हैं। ऐसे में जो संचार और संवाद का माध्यम मजबूत होता है, लोग उसे ही अपनाने लगते हैं। इसीलिए डिजिटल दुनिया में बच्चों का रुझान बढ़ चुका है। मोबाइल और टीवी बच्चों की पसंद बन चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संचार व संवाद का जो भी माध्यम मजबूत होता है, लोग उसे ही अपनाने लगते हैं। तो इसको लेकर वही समाज सेवक बाबा अवस्थी कहते हैं, अब रीडिंग का अस्तित्व खत्म हो गया है, अब विविंग का अस्तित्व फैशन में आ गया है। देखिए, कॉमिक्स के बारे में तो मेरे पापा बताते थे, हम इतना नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं कि पापा लोग बताते थे कि उनके टाइम पे कॉमिक्स चलती थी, चाचा चौधरी की, मोटू पतली और भी चलती थी। तो पापा लोग बताते थे ये सब पढ़ने से उनका सस्पेंस और रीडिंग पावर भी स्ट्रांग होती थी। अब तो हम लोग ढूंढना भी चाहते हैं तो मिलती ही नहीं है कहीं पर भी। इस वजह से फ़ोन में देखते हैं, फ़ोन में मज़ा भी आता है, पूरे देख लेते हैं, सीरीज़ के उस पर रहता है, एपिसोड वाइज रहता है, उसमें देखने में अच्छा रहता है, लगता है। मोबाइल में डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया, टोक्यो रिवेंज, पोकेमोन, ये सब की सीरीज देखते हैं। मोबाइल ही पसंद है उसमें, क्योंकि पूरा वैसे अच्छे से दिखाते हैं। मुश्किल से मिलने वाली कॉमिक्स अपनी शुरुआती दौर में 1 रुपए से लेकर 3 रुपए तक मिल जाया करती थी, लेकिन आज के दौर में कॉमिक्स की कीमत 50 से लेकर 100 रुपए तक पहुंच गई है। अभी भी हिंदी कॉमिक्स पढ़ने वालों के जहन में नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, बाकीलाल डोगा, राम रहीम, चाचा चौधरी और साबू बिल्लू, पिंकी, फैंटम जैसे चरित्रों के नाम जिंदा है। चाहे जमाना कितना भी डिजिटल हो चुका हो, फिलहाल कॉमिक्स को पढ़ना पसंद करने वाले आज भी कॉमिक्स को खरीद कर बड़े चाव से पढ़ना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।